हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। तो विदेश वाले ऑर्डर के कपड़े तो हम लोग बहुत सारे ले आए हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ आज उनकी मुझे कटिंग भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कपड़े तो अपने पास हो ही गए हैं। तो सामान तो हम लोग सारा ले ही आए थे, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं क्या कटिंग करूँ। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या कटिंग कर लूँ आज। तो मैं सोच रही थी वो जो येलो वाले कपड़े थे उसमें से मैंने कुछ कपड़े कटिंग कर लिए थे, उनकी शलवार कटिंग नहीं की थी, तो मैं उनकी आज शलवार कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उसका पहले कपड़ा नहीं था, तो अब कपड़ा भी आ गया है। तो पहले मैं शलवार कटिंग करती हूँ, फिर इसमें से देखती हूँ कुछ और कटिंग करने का मन करेगा तो फिर कुछ और कर लूँगी, टाइम बचेगा उसके हिसाब से देख लेती हूँ। फ्रेंड्स, सारे कपड़े निकाल कर हमने रख लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ एक ब्लू वाला कटिंग करना है मुझे, तो जो बाकी के कपड़े हैं उनके तो ज़्यादा पीसेस कट करना है, और ये जो ब्लू वाला है इसका सिर्फ थोड़ा ही कपड़ा बचा है तो इसका एक ही पीस कट करना है। तो सबसे पहले मैं ये ब्लू वाली कटिंग कर लेती हूँ, तो ब्लू वाला सारा कपड़ा खत्म हो जाएगा अपना, थोड़ा सा बच गया था उसी में से। तो फिर हम थोड़ी सी और अस्तर और जॉर्जेट ले आए हैं, क्योंकि वर्क वाला जो कपड़ा बचा है वो भी यूज़ हो जाए इसीलिए। तो हमारे साथ जोड़ी कपड़े उसमें से बन गए थे, एक इसमें से बन जाएगा, तो हमारे 8 जोड़ी कपड़े हो जाएंगे पूरे। तो ब्लू वाला कपड़ा पूरा खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, ब्लू वाला भी कटिंग हो गया है। इसमें बनाई है मैंने शॉर्ट फ्रॉक, और इसमें बनाया है अम्ब्रेला वाला लहंगा, और ये है इसका दुपट्टा। और अभी भी ये फैब्रिक थोड़ा सा बच गया है, जॉर्जेट भी बची है और थोड़ा सा वर्क वाला फैब्रिक भी बचा है। तो अब मैं सोच रही हूँ ये जो फैब्रिक बचा है इसमें, ये थोड़ा सा ही फैब्रिक है, इसमें से बड़ों के कपड़े तो नहीं बन सकते। तो वैसे भी उन्होंने बोला था मुझसे कि जो मॉम एंड डॉटर वाले कपड़े होते हैं ना, उस टाइप के कपड़े बनाना। तो मैं सोच रही हूँ ये जो थोड़ा सा कपड़ा बचा है इसमें से बच्चों के लिए कुछ बना देंगे। तो इसमें से मैंने सोच लिया है, कपड़ा भी नाप कर रख लिया है कि एक छोटा लहंगा बन जाएगा बच्चे का, 5 साल की बच्चे का बन जाएगा, और इसका ब्लाउज भी बन जाएगा और दुपट्टा भी बन जाएगा। इतना फैब्रिक है, इसमें से 1 मीटर फैब्रिक बच गया है, और ये कुछ साइड से लंबी लंबी चिंदियां बची हैं, तो इसका हम बॉर्डर दे देंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये वाला मेरा कटिंग हुआ है, बाकी कपड़े अब मैं कल कटिंग करूंगी। फ्रेंड्स, हो चुका है नेक्स्ट डे, और मम्मी बना रही है दाल बाटी। संडे स्पेशल दाल बाटी बन रही है मम्मी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप दाल बाटी बना रही हो। तो हमने बोला ही सरप्राइज। तो मैं भी फटाफट से नहा कर आती हूँ मम्मी, फिर मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख भी लगने लगी है। तो खाना है। हाँ, क्यों हम नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे मम्मी? जब तक आपकी बाटी सीखेंगी ना, जब तक तो मैं नहा भी आऊंगी ना। जल्दी से जाती हूँ, नहा कर आती हूँ। अभी आई हूँ मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए और अपने बालों को सुखाने के लिए। फटाफट से कपड़े डाल देते हैं और जल्दी से बाल सुखा लेते हैं। धूप तो नहीं आ रही है, हल्की हल्की सी धूप आ रही है, पर ठीक है, जितने भी है उसमें हल्के हल्के से तो सूख ही जाएंगे, ज्यादा नहीं तो हवा तो लग जाएगी। और फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि दाल बाटी भी तो वेट कर रही है ना मेरा खाने के लिए। यहाँ पर हमारा पीयूष बना रहा है। क्या बना रहे हो भाई? घी। घी, सब चीज की प्रैक्टिस करवाई दे रही हूँ मम्मी इसको, तो है ना, हर चीज बनाना सीख जाएगा ये तो, एक एक करके ही पड़ेगा। अच्छा रहता ना? हाँ, सब कुछ आना चाहिए। और क्या खाना खा लो फ्रेंड, आ जाओ। आ रहे हैं सब। ये रखिए मेरी थाली, इसमें है दाल बाटी, सेव और मूली। और मम्मी ये क्या बना दिया? लड्डू भी बना लिए। अरे बहुत ही टेस्टी वाले भोग दीदी, टेस्टी वाले लड्डू बनाए मम्मी ने, पता है। अभी खा के देखती हूँ। ये आ गए हमारे गमले, दुकान पर रखे हुए। पहले इन दोनों को भेज देती हम, भी दोनों जने पकड़ के ले आते सारे। कितने ले लिए? चार गमले ले आई पापा, और है ना चार रखे आई दुकान पर ही। तो खरीदे आठ, उनको 10 लेना थे, 2 भी की गए, दुकान पर 10 ही मिले, 8 ही मिले, और एक प्लास्टिक वाला ले आई। और ले आना दो, एक छोटा सा ये लेकर आई है। फ्रेंड्स, जब तक ध्रुव और गमले लेकर आ रहा है, तब तक मैं ये सारे गमले जो हम लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं इनको ऊपर ले चलते हैं। गमले हमने लाकर यहाँ रख लिए, और कल ध्रुव और मम्मी गए थे पौधे लेने के लिए। ये रखे हुए हमारे पौधे, तो अभी आकर ये लोग लगाएंगे। क्यों गुड़िया, अपने पास मिट्टी तो है ही नहीं है, ये पौधे भी ले आए और है ना गमले भी ले आए, मिट्टी कहाँ से लाएंगे? ले आएंगे कहीं से ना कहीं से, तो हाँ कहीं खेत में इतना पड़ी होगी तो वहाँ से मिट्टी भी ले आएंगे। ये सारे गमले सीमेंट के बने हुए थे तो ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, तो ध्रुव बोलने लगा कि अपने पास पेंट बहुत सारा रखा हुआ है बचा हुआ, तो हमने सोचा सारे गमले भी हमें पेंट कर लेना चाहिए। तो ध्रुव यहाँ पर पेंट कर रहा है, यहाँ पर ये लड़की भी गुस्साई है, बोल रही है मुझे भी पेंट करना है, तो ये गुड़िया भी कर रही है पेंट। तो ये सारे गमले हमारे पेंट होने वाले हैं, 3-4 तो हो ही गए हैं, बाकी और बचे हैं तो वो भी सारे पेंट कर देंगे। फ्रेंड्स, मम्मी भी आ गई है। अब ध्रुव अच्छे से पेंट करना, नहीं तो फिर मम्मी बोलेंगी इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है, इसलिए वो आ गई है देखने के लिए। अच्छे से कर दो या फिर बोलेंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अच्छे से करोगे तो फिर क्यों बोलेंगी वो? क्यों मम्मी का कोई कमी निकालने के लिए आई, वो तो देखने के लिए, देखने के लिए आई है काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। फ्रेंड्स,
हमारे सारे गमले पेंट हो गए हैं। अब इन्हें सूखने के लिए रख दिए हमने, सुबह आकर देखेंगे। अब मम्मी सुबह ही लगाएंगे अब पौधे। चलो अभी तो चलते हैं ना, लगा दे रहे सुबह तक। मिट्टी नहीं है कहाँ से लगाएंगे, मिट्टी तो मंगा ले। फ्रेंड्स चाय आ गई। मम्मी आपने चाय मेरे लिए भी बना ली, मैंने बोला था मेरे लिए मत बनाया करो। कटोरी में भर के लाई। हाँ सही मम्मी से। गुड़िया तुझको भी पीना है चाय? नहीं पीना? मैं चाय नहीं पीती क्योंकि मुझे ये काले होने का बहुत शौक। वैसे काली है चाय, यही गोरी हो जाए। मिला। गोरा है कौन? गोरा आएगा? हाँ। अलग ही दिख रहे हैं मम्मी के हाथ गोरे और अलग काले दिख रहे हैं मम्मी के काले और मेरे गोरे। चल मम्मी अपन ही पी लेते हैं, इसको तो कोई शौक नहीं है चाय वाय पीने का। मुझे तो पता ही है इसीलिए गोरी हो गई। बहुत सारा दूध डाल के चाय बनाती होंगी रोज इसीलिए। और तुझे बहुत दूध मिलाती रहती है, वो नहीं दिखता। और ग्लास भर के है। मम्मी ये सब निकाल क्यों दिए? अब निकाल ले, दीपावली चली गई। अब निकाल के इनको लाना, बॉस करके रख देंगे। हाँ अब नेक्स्ट ईयर लगाएंगे ना। और क्या रखे। और मम्मी बताए, बहुत दिन तक देखते रहो ना किसी चीज को तो बोरियत लगने लगती है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बैठकर चाय पी रही थी और चाय पीते पीते मेरे दिमाग में एक डिजाइन आ गई है। ये कपड़ा मुझे दिख रहा था यहीं से ब्लू वाला, तो मेरे दिमाग में एक डिजाइन आ गई है। ये देखिए ये वाला कपड़ा। क्यों गुड़ी तुम्हें याद है अपन ने एक बार एक गाउन बनाई थी ब्लू कलर की प्रीति के लिए? याद है? गाउन नहीं बनाई थी, वो परी वाली ड्रेस। हाँ हाँ वही परी वाली ड्रेस। तो इस ब्लू कपड़े की अपन उस टाइप की ड्रेस बनाएंगे तो कैसी लगेगी? इस वाले ब्लू की? हाँ। और दीदी अपने पास प्लेन नेट कहाँ है? अपन प्लेन नेट लेके ही नहीं आए। अरे अपने पास हो सकता है रखी हुई बुटीक के कपड़ों में, कितने सारे कपड़े हाँ। रखे थे ना अपने पास। हाँ। तो एक बार अपन ट्राई कर लेंगे, देखेंगे कि रखी है नहीं रखी। अगर रखी होगी ना तो बहुत सारा कपड़े लगा था दीदी, तो ये भी तो इतना सारा लाए अपन 20 मीटर। हाँ है ना, अच्छी लगेगी ना अपन उसकी बनाएंगे तो। हाँ एक बार ट्राई करके देखना, अपने पास ब्लू कलर का अगर होगा तो फिर अपन वैसी ड्रेस एक जरूर बना देंगे ना। हाँ। तो विदेश वाले ऑर्डर के लिए एक वैसी गाउन भी हो जाएगी। वैसे भी अपन ने एक भी गाउन बनाकर नहीं दी है अभी उनको, तो एक गाउन हो जाएगी तो अच्छे बढ़िया खुश हो जाएंगी वो भी। अब फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कुछ कपड़े मुझे कटिंग कर लेना चाहिए, तो सबसे पहले मैं कटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ ये पिंक वाले बंडल से। तो आज सिर्फ मेरा यही वाला कटिंग हो पाएगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ड्रेसेस बनेंगी। तो ऊपर जा रही हूँ अभी, ऊपर से लेकर आऊंगी। फैब्रिक ऊपर ही रखा हुआ है। ये रहा हमारा 40 मीटर फैब्रिक। अब देखते हैं इसमें से कितने सूट कटिंग हो पाते हैं आज। तो अभी मैं कर रही हूँ कटिंग करना स्टार्ट। अस्तर अस्तर मेरी कटिंग हो गए हैं। अब बचा है ये मेन फैब्रिक, तो इसको भी अभी थोड़ी देर से कटिंग करूंगी। मम्मी वेट कर रही है मेरा खाना खाने के लिए, बोल रही है जल्दी चलो। चलो गुड़िया तुम भी खाना खा लो। हाँ मेरा सारा काम हो गया, चलो। फ्रेंड्स खाना हम लोगों ने खा लिया है, अभी बाकी सारी ड्रेसेस की कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स चार सूट कटिंग हो गए हैं, 1, 2, 3, 4 कुर्तियाँ और ये 4 शलवारें। अब ये फैलाना समेटते हैं फटाफट से। पूरे कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर दी है और सारा सामान उठाकर यहाँ पर रख दिया है। अभी चलते हैं, चलकर मुंह हाथ धोएंगे और आप सबसे मिलेंगे सुबह, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो गई है, रात का 1 बज रहा है। फ्रेंड्स हो चुका है नेक्स्ट डे और आज बना रही है मम्मी बिही की चटनी जामफल की। अभी आज पापा नए जामफल लेकर आए ना, इसलिए मम्मी ने कहा कि सबसे पहले चटनी ही बनाएंगे। चटनी बनाएंगे खाएंगे। हाँ बन गई प्रीति, बन गया ये। अरे दीदी नहीं बन पा रहा यार, ये पट्टी नहीं लग रही, बहुत परेशान कर रही है ये पट्टी। हाँ वेलवेट है ना, स्ट्रेच हो रही होगी ना। हाँ तो तुमने लटकती हुई लगा रही हो अब? नहीं लटकती हुई तो नहीं लगा रहा है, जैसे हमने डिसाइड की थी वैसे ही लगा रहा है, पर आराम आराम से लगा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। हाँ ये वाला अच्छा वाला वेलवेट है ना प्रीति, इसलिए। और ये दोनों एक जैसे होते ना तो फिर आराम से लग जाती है। हाँ। ये वाला थोड़ा हल्का वाला है और ये थोड़ा ज्यादा अच्छा वाला है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। हाँ। मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है, चलो। बस थोड़ा सा काम है दीदी, ये पट्टी लग जाए और इस घेर को अटैच कर। घेर अटैच तो बस 2 मिनट में हो जाए, बस ये पट्टी लग जाए। पट्टी भी एक साइड की लगी गई है, बस एक साइड की और बची है, वो भी जरा सी देर में लग जाएगी। हाँ ठीक है। मम्मी ने पता है तुम्हें तुम्हारी फेवरेट बिही की चटनी बनाई है। हाँ? हाँ। सही बताओ। और क्या, तभी तो बुलाने आए, पहले खाना खा लो बाद में बना लेना। नहीं लेकिन फिर भी दीदी मैं बना के ही खाऊंगी, क्योंकि फिर ना बाद में कोई भी काम बहुत देर तक करते रहो ना, फिर उसको करने का मन ही नहीं करता है। इसलिए इसमें कितना टाइम लगेगा फिर? मुश्किल से आधा घंटा। ठीक है चलो। मम्मी प्रीति बोल रही, वो नहीं खा रही अभी खाना, मेरे लिए अकेली दे दो तुम तो। जब खा ले। नहीं वो बोल रही आधे घंटे बाद खाएगी, आधे घंटे में बन जाएगी उसकी फ्रॉक, तो फिर खाएगी वो। तो हमारी गुड़िया ने तो यहाँ पर खाना ले भी लिया है। गुड़िया भी लूंगी अगर तुम लोग नहीं आओगी तो। तो गुड़िया मैं भी खा लूँ इसी में साथ में ले। हमें ही देना है, काट वे के मारे खाई नहीं है।
मम्मी आ गई जामफल देने के लिए, हम लोग ने काटी नहीं थी, कितनी बड़ी बड़ी जामफल आई, हमने सोचा मम्मी इतनी बड़ी हमसे पूरी खिलेगी नहीं, इसलिए मैंने काट के खा सकते ना अपन। एक ही पीस इतना बड़ा है। फ्रेंड्स तो खाना खाकर हम आ चुके हैं ऊपर, और बहुत दिन से अमेजोन से हमने एक प्रोडक्ट मंगवाया था। प्रोडक्ट हमने दो मंगवाए थे पर एक हमने आपको दिखाया नहीं था, तो ये है हमारा दूसरा प्रोडक्ट। हाँ तो ये है स्टेमियो का आंवला पाउडर। आप इसको हेयर केयर पैक बनाकर, फेस मास्क बनाकर और पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके DIY यूज होते हैं जो आप घर में बहुत सारी चीजों में इसको यूज कर सकते। और ये जो आंवला पाउडर है ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और स्टेमियो को जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, और सारे प्रोडक्ट्स इनके मेड इन इंडिया होते हैं, और सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं, इसलिए स्टेमियो प्रोडक्ट्स हम लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए हम लोगों ने आंवला पाउडर मंगवाया था। हमारे पास पहले भी था लेकिन हमारा खत्म हो गया था, इसलिए हमने ये दूसरा मंगा लिया है। इसे हम बालों में यूज करने के लिए मंगाते हैं, जिससे हमारे जो हेयर होते हैं ऐसे एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट Amazon और Flipkart से परचेस कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स मैं ऊपर कपड़े उतारने के लिए गई थी, जब तक यहाँ पर कस्टमर आ गए तो मेरा वेट कर रहे थे, तो अभी मैंने दो सूट बुक कर लिए हैं अस्तर वाले, और दोनों ही सूट ब्लैक हैं, पाकिस्तानी सूट है दोनों ही, और दोनों ही ब्लैक कलर के सूट है। ये देखिए कि ये भी वर्क वाला है, ये भी ब्लैक और ये वाला भी ब्लैक। एक सूट ये वाला है ब्लैक कलर का, पूरा इस टाइप का इसमें डिजाइन है, पाकिस्तानी सूट है ये। और एक ये है, ये तो पाकिस्तानी नहीं है, ये तो सिंपल ब्लैक कलर का सूट है। देखना मैं दोनों एक जैसे सूट लेकर आ गई, दोनों ब्लैक ब्लैक, अपनी अपनी पसंद है, उन्हें दोनों पसंद आ गए। हाँ पसंद आ गए होंगे तो दोनों ले लिए फिर उन्होंने। बन गया गुड़िया ये पूरा, अरे इसमें से तो कुछ गिरा, ये क्या है गुड़िया दिखाना पूरा कैसा है। कैप है ये इसकी, और ये है ड्रेस, वो ये तो सेंटा क्लॉज की ड्रेस बन गई, तो सेंटा क्लॉज की ड्रेस ही तो बना दीदी। दिखा बुढ़े लगा के दिखाना कैप, कैप कैसी लग रही है। नहीं दीदी मैं नहीं लगा रही हूँ, उसमें से बहुत ना ये इसका वो है ना रुआ टाइप वो निकल रहा है बहुत ज्यादा, तो वॉश करने के बाद लगाओगी फिर है ना। मैंने सोचा है इसको पहले एक बार वॉश करूंगी उसके बाद पहनूंगी, पर अच्छी लग रही है यार कैप तो, देखना ऐसी कैप बना ली और ऊपर एक टोपी में ये क्या लगाया है, ये क्या है इसके अंदर क्या डाला है, कपड़ा चिंदिया चिंदिया। हाँ चलो अच्छा है, अच्छी लग रही है लेकिन पूरी ड्रेस अच्छी है, मस्त एकदम। अब इसको पहले एक बार वॉश करेंगे फिर पहनेंगे। कब पहनने वाली हो, कल परसों ही? हाँ एक दो दिन में। हाँ ठीक है। अभी ना फ्रेंड्स मैं एक लेस ढूंढ रही हूँ अच्छी सी, कोई डिजाइन वाली, ये वाली लेस लगाऊं या फिर कोई दूसरी, तो ये दोनों लेस मैंने डिसाइड की है। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे लेस किस चीज के लिए ढूंढ रही हूँ, तो मैं ना एक दुपट्टा बनाने वाली हूँ डिजाइन वाला, उसके लिए मैंने सोचा उसमें सिल्वर लेस लगेगी तो सिल्वर लेस लेकर आते हैं, क्योंकि नीचे कोई सी भी सिल्वर लेस नहीं रखी। किसका दुपट्टा बना रही हूँ गुड़िया, एक फ्रॉक बनाई थी उसमें से है ना साइड से थोड़ा सा कपड़ा बच गया है, लंबा लंबा सा कपड़ा बचा है, तो मैंने कहा ना उसमें से ना वो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा अगर अपन कुछ नहीं बनाएंगे उसका, तो फिर मैंने कहा ना एक फ्रिल वाला दुपट्टा बना देते हैं तो अच्छा लगेगा। दुपट्टा वैसे भी बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगेगा, और फ्रॉक के साथ पहनेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो जो हमारा विदेश वाला ऑर्डर चल रहा है ना उसी के लिए मैं एक फ्रिल वाला दुपट्टा बना रही हूँ। फ्रेंड्स ये रहा फैब्रिक जिससे हम दुपट्टा बनाने वाले हैं, तो ये है एकदम सीधी सी लंबी पट्टी, ये देखिए ये हमने फ्रॉक जो कटिंग की थी उसमें से बचा हुआ है साइड से फैब्रिक, क्योंकि हम जो फ्रॉक बना रहे थे वो फ्रॉक की लंबाई छोटी थी, तो शॉर्ट फ्रॉक बनाने की वजह से ऊपर से इतना सारा फैब्रिक बच गया है। इसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले, इसका भी यूज करेंगे और इसी से बनाएंगे हम दुपट्टा। देखिए फ्रेंड्स फ्रिल वाला दुपट्टा मैंने रेडी कर दिया है, ये देखिए कैसा लग रहा है, बचे हुए कपड़े में से हमने ये फ्रिल वाला दुपट्टा रेडी किया है। अगर आपको ये पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बचे हुए कपड़े में से हमने दुपट्टा तो रेडी कर लिया है, अब लगने लगी है बहुत तेज भूख, तो चलते हैं कुछ खा लेते हैं। मम्मी देखो दुपट्टा बन गया, ये रखा हुआ है, देखो कैसा लग रहा है, इतना सा दुपट्टा है भाई, इतना सा कहाँ है पूरा, तो अच्छे से देखो मैंने नाप के बनाया है, ये तो लग रहा है झालर हो का छू के फ्रिल वाला ही दुपट्टा बनाया है। मम्मी देखो एक साइड डालने के हिसाब से डाल के देखो कैसा लग रहा है, एक साइड डालो फ्रिल फ्रिल वाली साड़ी बनानी है मम्मी आपको, लड़कियों के ऊपर अच्छी लगेगी। अरे तो मम्मी ये साड़ी नहीं है सिर्फ दुपट्टा बनाया है इसे, मम्मी तो इसको ऐसे ऐसे लपेट रही है साड़ी जैसी, ये देखो सही तो है, देखो यहाँ तक तो आ रहा है, और कितना बड़ा दुपट्टा बनाएंगे, और अगर ज्यादा बड़ा बना देंगे ना फिर वो है ना नीचे गिरेगा पूरा, नीचे लथड़ेगा नहीं, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा है, कैसे लगेगा मम्मी अगर कोई फ्रॉक पर डालेंगे गाउन पे, अच्छा लगेगा ना,
बड़ा ही है वो तो, ऐसे भी डाल सकते हैं पर वैसे ज्यादा अच्छा लगेगा एक साइड वाला ही। और मम्मी ये आपने कपड़ा दिया था ना, इसको भी मैंने फोल्ड कर दिया, पहले तो मैं भूल ही गई थी इसे फोल्ड करना। फिर मुझे दिख गई चिंदियां पड़ी हुई, मैंने कहा मम्मी दो एक गई थी ये फोल्ड करने के लिए, मैंने कहा कर देती हूँ। आप मम्मी अपन ने सुबह ही तो मटर की सब्जी बनाई थी, मेथी और मटर, आप फिर से मटर छीलने लगे, आप क्या बनाने वाली हो? सर्दियां चल रही हैं दीदी और रोज मटर ही मटर, मटर की सब्जी ही बनानी है। सिर्फ मटर मटर बनाएंगे क्या? मटर कटहर नहीं, मटर और कटहर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मटर और आलू अच्छे लगते हैं और मटर गोभी भी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। हाँ और मटर पुलाव भी अच्छा लगता है। मटर पुलाव भी बनाएंगे, कल बनेगा? अभी अभी खाना बन चुका है, आधे से ज्यादा लोगों ने खाना भी खा लिया है, बस मैं मम्मी और पापा ही बचे हैं, बाकी सबने खाना भी खा लिया है। आप किसके लिए बनाओगे मम्मी? अपन तीनों के लिए। हाँ मम्मी सही बोल रही हो, आप अपन तीनों के लिए मटर पुलाव बना लो, अपन बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, इन लोगों को अपन ने सादा सिंपल खाना खिला दिया। पता है अभी मम्मी नहीं बनाने वाली है क्योंकि मम्मी पहले ही ऑलरेडी सभी के लिए खाना बना चुकी है। हाँ सुबह ही बनाएंगी, वो तो पागल बना रही है तुम दोनों को। तुम दोनों को नहीं, सिर्फ तुमको दीदी। क्यों मुझे क्यों बनाएंगी? पहले से पता है अभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मम्मी का कोई भरोसा नहीं है, वो अभी भी बना सकती हैं। नहीं बना सकती क्योंकि जो खाना बन चुका है उसको फेंकेंगे थोड़ी ना। हाँ। हम वो भी खा लेंगे, पुलाव ने खिला देंगे। किसको? मोबाइल में बनेंगे सब लोगों ने। हाँ मम्मी का कहना है कि मटर पुलाव आप सबके लिए बना देंगे। इतनी सारी मटर लेके आई, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, इतने सारे लोगों के लिए बनाओगे आप तो बहुत सारा सामान चाहिए पड़ेगा। अभी चौराहे थोड़ी ना जान पड़ेगा खरीद। हाँ अपने घर में ही तो इतनी सारी मटर रखी हुई है, पापा वैसे ही ठेला लेकर आ गए हैं तो बहुत सारी मटर उनके पास रखी हुई है। छीलने वाले दो और लगे ही हैं। हाँ ये दोनों लगे हैं छीलने वाले, तो फिर अभी बनाते हैं, फिर अपन बहुत सारा ना और एक तगाड़ी भर के अपन बहुत सारी छीलना। फिर मम्मी सबको इन्विटेशन तो दे दो और एड्रेस बता दो आपके घर का। वो सब देख देख के किसको देख देख के हम इसमें लोकेशन भेज देंगे। हाँ लोकेशन भेज देंगे मम्मी, आप सब लोग आ जाना मटर पुलाव खाने के लिए। हम सबकी थालियाँ लग गई हैं, चलो मम्मी आ जाओ खाना खाने के लिए, पापा आ जाओ आप भी खाना खाने के लिए, और मैं तो यहाँ पर पहले से बैठी गई हूँ खाना खाने के लिए, चलो जल्दी से आप लोग भी आ जाओ। फ्रेंड्स खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब बाकी का सारा काम कल करेंगे। आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।